गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अगेन कम विद योर लास्ट टॉपिक इन चैप्टर 6, दैट इज कंबस्टन एंड फ्लेम. एंड टुडे वी हैव टू रिवाइज ऑल दिस टॉपिक्स. एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज रिमेनिंग, हाउ डज अ कैंडल बर्न. हाउ डज अ कैंडल बर्न. आई प्रीवियसली डिस्कस्ड अबाउट द फ्लेम. फ्लेम हैज थ्री पार्ट्स. फ्लेम हैज थ्री पार्ट्स. The flame has three parts. One more. This one. This part is the outer zone. What is? It is the outer zone or non-luminous outer zone. What is? Non-luminous outer zone. And this part is middle zone. This part is middle zone. It is luminous zone. It is luminous zone. And the last is innermost zone. Innermost zone is known as dark zone. What is? It is known as dark zone. Why? Because no combustion takes place here. No combustion takes place here. Why? Because it has the insufficiency of oxygen. It has insufficiency of oxygen. यहां पर क्या होगा? Oxygen की amount very very low. Oxygen is very low in amount, क्योंकि यहां पर amount क्या है oxygen की? बहुत ही low होती है. That's why यहां पर कोई भी combustion नहीं होता है. आई बात समझ में? जैसे ही इसकी flame है वो आगे बढ़ी, इसने क्या किया? कुछ वैक्स को अक्वायर किया. कुछ वैक्स इसके साथ मेल्ट होने लग गई, तो नेक्स्ट जोन अक्वायर करेगी वो. इट इज ब्लैक कलर. इट इज ब्लैक कलर. इनर मोस्ट जोन जो होगा आपका कौन सा कलर होगा? ब्लैक कलर, क्योंकि उसमें कोई भी कंबस्शन नहीं हो रहा है. आई बात समझ में? सेकेंड इज ल्यूमिनस जोन. यहां पर क्या होगा? कुछ कंबस्शन होगा, पार्शियल कंबस्शन होगा. वाई? बिकॉज इट हैज अ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. इस कंडीशन में यहां पर कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट हैज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. यहां पर ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है दैट इज वेरी वेरी लो. आई बात समझ में? इन द आउटर जोन इट इज द लाइटेस्ट जोन और हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. इट इज हॉटेस्ट जोन. वाई? क्योंकि इस कंडीशन में आउटर जोन जो है दैट हैज द कंप्लीट कंबस्शन. कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस इन द आउटर जोन. आई बात समझ में? कंप्लीट कंबस्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज इट हैज द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन प्रॉपर अमाउंट. यहां पर एडिक्वेट अमाउंट में जो इसके कंबस्शन के लिए जरूरत है उतनी ऑक्सीजन यहां पर अवेलेबल है. इसलिए यहां पर क्या होगा? इसको क्या बोला हम लोगों ने? हॉटेस्ट जोन. सबसे ज्यादा कंबस्शन किस में हो रहा है? आउटर जोन में. आई बात समझ में? ठीक है. आफ्टर दिस व्हेनेवर द ऑक्सीजन, व्हेनेवर द वैक्स मेल्ट इन केस ऑफ कैंडल. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग इसको लिट करते हैं, इस थ्रेड को इसको बोलते हैं हम लोग विक. इस विक को जैसे ही मैंने मैच बॉक्स से जलाया है, इट विल गेज सम फायर. इट विल कैच फायर. और फायर जब कैच करेगा तो इसके ऊपर वाला जो नोब है, इस नोब वाले एरिया को मैं जलाऊंगा और ये यहाँ पर क्या होगा? फ्लेम जो है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा. कहाँ तक लो होगा? यहाँ नीचे तक. जब तक वो यहाँ तक नहीं आ जाता तब तक उसका जो फ्लेम का एरिया है वो कैसा रहेगा? लो. आई बात समझ में? कम रहेगा. जैसे जैसे यहाँ नीचे आएगा उसका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. वेन एवर इट टचेज द वैक्स, इस वैक्स को जैसे ही इसने टच किया, इट विल गोज अपसाइड. इसकी लो का जो फ्लेम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. फ्लेम जैसे ही बढ़ा क्या होगा? कि फ्लेम बढ़ेगा तो फ्लेम के एरियाज डेवलप होंगे, जोन डेवलप होंगे. इस कंडीशन में जो विक का एरिया है, विक का जो एरिया है वो नीचे वाला कौन सा होगा? इनरमोस्ट जोन, जहां पर कम कंबस्शन होगा. जैसे जैसे इसके फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ेगा, द वैक्स विल मेल्ट टूवर्ड्स द सरफेस. सरफेस की तरफ मेल्ट होने लग जाएगी और कुछ जो टेम्परेचर एरियाज हैं
उनका डेवलपमेंट होगा। जैसे ये तीन डेवलपमेंट मैंने बता दिया आपको, तीन एरिया मैंने बताए हैं, डार्क जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन, ये फ्लेम के एरियाज हैं, इनके बेसिस पे ही क्या होगा, कैंडल बर्न होगी। आई बात समझ में? जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जो वैक्स है, वैक्स जो है दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस फ्लेम, जो वैक्स उस फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, दैट विल बी वेपराइज, दैट विल बी वेपराइज, वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। एंड द वैक्स दैट इज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द विक, इस लास्ट एरिया के टच में जो वैक्स है, दैट विल मेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ कैंडल, कैंडल के चारों तरफ से वो मेल्ट होके निकल जाएगा। आई वॉज में? तो इस तरीके से क्या हुआ, आपकी जो कैंडल है दैट विल बर्न, कैंडल जल जाती है। आफ्टर दिस सम टॉपिक्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड इनकम्बस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मीनिंग क्या है, दैट कैन बर्न, कंबस्टिबल दैट कैन बर्न, जो जल सकते हैं दैट इज कंबस्टिबल। आई बात समझ में? जिनका कंबस्टन हो सकता है दैट इज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड दैट कांट बर्न, वो क्या होगा, नॉन कंबस्टिबल। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, पत्थर जो होता है वो जलता नहीं है, तो उसको हम लोगों ने कौन सी कैटेगरी में रखा है, नॉन कंबस्टिबल कैटेगरी। पत्थर जो है वो नॉन कंबस्टिबल कैटेगरी में आ जाता है। देन ग्लास, ग्लास जो है वो ग्लास भी आपका क्या है, नॉन कंबस्टिबल की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज इट कैन नॉट बर्न इजीली। देन कंबस्टिबल क्या होगा, वुड, पेपर, प्लास्टिक, ओके, लीव्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सारे क्या होते हैं आपके, कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, जो इजीली फायर को कैच करते हैं और इजीली जलना स्टार्ट कर देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इनके बेस ये दो चीज आप लोगों ने देख ली। आफ्टर दिस वन मोर थिंग इज दिस, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी यहाँ पर हमको पूरा टॉपिक जो पढ़ा हम लोगों ने, दैट इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी। एनर्जी क्या है, कैपेबिलिटी है बॉडी की, जो किससे मुझे मिली है, बाय द फ्यूल, कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू समथिंग बाय यूजिंग फ्यूल, फ्यूल का कंबस्शन हुआ, कंबस्शन से मुझे क्या मिली, एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज मैं कर रहा हूं किसमें, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी में, ओके। तो एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द फ्यूल, फ्यूल का कंबस्शन हुआ, कंबस्शन हमको क्या मिलेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी प्रोवाइड करने से मैं क्या करूंगा, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूं, ओके। आफ्टर दिस फ्यूल का स्टार्ट मैंने कर दिया, फ्यूल क्या है, अभी मैंने रिवाइज कर रहा हूं चैप्टर को, व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल इज, फ्यूल इज द सब्सटेंस विच कैन बी कंबस्ट, विच कैन बी कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, जब वो कंबस्टिबल होगा या नॉन कंबस्टिबल होगा, और उसका जो कंबस्शन होगा फॉर गिविंग अस एनर्जी, किसी भी मशीन को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्यूल का। और फ्यूल जो होगा, फ्यूल जो है वो टू टाइप्स का हो सकता है, फ्यूल कैसा है, टू टाइप्स का हमारे पास है, वन इज प्राइमरी फ्यूल, वन इज प्राइमरी फ्यूल, सेकेंड वन इज सेकेंडरी फ्यूल। क्या है, प्राइमरी फ्यूल एंड द सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल एज वी हैव डिस्कस्ड, प्राइमरी फ्यूल मीन्स द फ्यूल्स विच आर यूज इन द सेम फॉर्म एज दे अपीयर इन द नेचर, दीज आर द फ्यूल्स which are used as they appear in nature, nature में जैसे वो है उनको हम लोग उसी form में use कर रहे हैं for the और as the fuel, ऐसे substance जिनको हम लोग उनके natural form में ही use कर रहे हैं उनको हम लोगों ने क्या बोला है, primary fuels। आई बात समझ में? And the example is
leaves, agricultural waste. एग्रीकल्चरल वेस्ट, काउ डंग, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैंने क्या किया है, डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूं, लाइक वुड, जैसे वो नेचर में है उनको हम लोगों ने वैसे ही यूज किया है. तो दीज आर नोन एज प्राइमरी फ्यूल्स. एंड सेकेंडरी फ्यूल्स, द फ्यूल्स विच आर prepared by using primary fuels. क्या क्या मैंने primary fuels का use किया और इन primary fuels का use करके मैंने क्या बनाया है, secondary fuels बनाया है. किसका use करके, primary fuels का, जैसे natural gas और biogas discuss किया था हम लोगों ने. biogas जो होता है cow dung waste से, जो भी waste products है vegetable waste वगैरह, इनके द्वारा बनता है. आई वास्तव में तो जो नेचुरल फ्यूल्स प्राइमरी फ्यूल्स थे उनका यूज करके मैंने क्या बना दिया, बायोगैस, तो सेकेंडरी फ्यूल बना लिया मैंने. आई वास्तव में अब इनमें क्या है, इनकी दो कैटेगरी है. वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ दीज टाइप ऑफ फ्यूल्स, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल. व्हाट इज रिन्यूएबल? रिन्यूएबल मीन्स which can be replenished again after using. इसका एक बार यूज होने के बाद मैं इसको रिन्यू करके दूसरे फॉर्म में यूज कर सकता हूं. आई वाज सेइंग, तो रिन्यूएबल वो सोर्सेस होंगे जिनका यूज मैं अगेन एंड अगेन कर सकता हूं. That never be completely used like the sunlight, water energy, sunlight, water and air. ये ऐसे forms हैं energy के that cannot be completely used. जो कभी भी कंप्लीटली यूज नहीं होंगे, उसके फॉर्म अगेन एंड अगेन चेंज करते जाएंगे हम लोग, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, रिन्यूएबल रिसोर्स. वो अगर एक बार यूज भी हो गए तो वो अनदर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे. ओके, आफ्टर दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स क्या होंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होंगे, जिनको हम लोगों ने एक बार यूज कर लिया तो वापस से वो मुझे नहीं मिलेंगे, नॉन रिन्यूएबल. Non-renewable that can't be replenished again after using. इसका एक बार मैंने use कर लिया तो मुझे वो किसी भी form में वापस नहीं मिलेंगे, like पेट्रोल मैंने गाड़ी के अंदर डाला है तो वो एक बार यूज हो गया तो वो पेट्रोल मुझे वापस नहीं मिलेगा. फॉसिल फ्यूल्स आर देयर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, बायोगैस, ऑल दीज आर फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि इनके बनने में क्या है, कई लाखों सालों का समय लगा है. इट हैज अ लॉन्ग पीरियड टू रिफॉर्म. इसका यूज अगर एक बार हो गया है तो ये बहुत लाखों सालों तक मुझे वापस से नहीं मिल सकते. Why? Because it takes millions of years for reforming. क्या किया हम लोगों ने, क्या देखा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको वापस से हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी रिप्लीनिश अगेन, उनकी फुलफिलनेस हम लोग दोबारा नहीं कर सकते आफ्टर यूजिंग, किसी भी मैनर में हम लोग उसको वापस से गेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे विल टेक millions of years for reforming. वापस से production होने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, millions of years की, time ज्यादा लगेगा. आई बात समझ में? इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब बात हो रही है कैपेसिटी की. हम लोगों ने दो तीन टर्म्स देखी थी, कैलोरीफिक वैल्यू, इग्निशन टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज कैसी हो, ठीक है.
तो फर्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल. फ्यूल एफिशिएंसी का मीनिंग क्या हुआ? फ्यूल एफिशिएंसी जो है दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूल और एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल टू गिव द एनर्जी. उस फ्यूल का कंबस्टन होने के बाद वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो किस पर डिपेंड करता है? उसकी फ्यूल एफिशिएंसी पे. किस पर डिपेंड करता है? फ्यूल एफिशिएंसी. और उस फ्यूल एफिशिएंसी का ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या देते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू. क्या दे दिया हम लोगों ने? कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स इन हाउ मेनी कैलोरीज इट विल गिव्स अस एनर्जी. कितनी कैलोरीज की एनर्जी वो मुझे देगा कोई भी फ्यूल है. After combustion, how much energy it will be give to us? तो उस calorific value को हम लोगों ने किस में लिखा है? किलोग्राम, sorry, किलो जूल पर केजी. किलो जूल पर केजी में मतलब calorific value is the energy produced by the complete combustion of 1 kg of fuel. कितनी कैलोरी एनर्जी 1 kg फ्यूल के बर्न होने के बाद मुझे मिलेगी? दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरी जो है 1 kcal is equals to 4.18 जूल. ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू मुझे किसी भी फ्यूल की चेक करनी पड़ेगी कि कोई भी फ्यूल जो है कितना ज़्यादा बर्न होगा, कितनी उसकी एनर्जी है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा दैट विल प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज और नॉट. तो ये सारी चीज़ मुझे उसके अंदर विजुलाइज करनी पड़ेगी. ऐसा फ्यूल मुझे चाहिए दैट विल नेवर बी हार्मफुल फॉर अस. आई बात समझ? ऐसा फ्यूल मुझे चाहिए जिसकी भी क्या हो, एक तो क्या देखना होता है? इग्निशन टेम्परेचर. व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? कैलोरीफिक वैल्यू इज द अवेलेबिलिटी. Production of toxic gases. Production of waste. तो कोई भी फ्यूल अगर मुझे लेना है तो that must be an ideal fuel. Ideal fuel, the properties are these. Ideal fuel is what? The fuel which has the ignition temperature very low, which has the low ignition temperature. Ignition temperature, the temperature, the lowest temperature at which any substance catches fire. फायर कैच कर लेता है कोई सब्सटेंस उस लोवेस्ट टेम्परेचर पे, तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होगा उसका? इग्निशन टेम्परेचर. द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट बर्निंग स्टार्ट कर देता है कोई भी सब्सटेंस, तो उस लोवेस्ट टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या बोला है? इग्निशन टेम्परेचर. कैलोरीफिक वैल्यू, हाउ मच एनर्जी इट विल गिव्स आफ्टर कंबसन. हाउ मच एनर्जी इट विल गिव्स आफ्टर कंबसन. द फ्यूल must be easily available. Fuel easily available होना चाहिए. Production of the toxic gases, it should not produce any type of harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide. ये सारे जो gases हैं ऐसी gases वो produce नहीं करना चाहिए. आई बात समझ में? ऐसी gases वो produce नहीं करना चाहिए. में तो नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, इट हैज हीट
उसकी जो हीट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कम यूज़ हो जाए। कोई भी फ्यूल है अगर कम यूज़ हो रहा है, बहुत अमाउंट में एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो दैट इज़ एन आइडियल फ्यूल। वो क्या है, उसका एक आइडियल फ्यूल है और इसको हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ? इट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर, इट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है, कंबसन के बारे में हम लोगों ने देखा। कंबसन मीन्स द बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई भी सब्सटेंस जल रहा है तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, कंबसन। आई बात समझ में? वन मोर थिंग इज दैट व्हेनेवर एनी सब्सटेंस विल बर्न, अगर उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मुझे उस सब्सटेंस को बर्न करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है तो इट विल एंडोथर्मिक। उसको क्या बोला हम लोगों ने, एंडोथर्मिक। अब अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली जो बर्न हो रहा है तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कोई भी सब्सटेंस इनकम्प्लीटली बर्न हो रहा है तो इट विल फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज मोर लिथल देन कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ? तो ये सारी चीज मुझे आपको देखनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। फ्लेम मैंने बता दिया था आपको, फ्लेम इज द अपीयरेंस ऑफ दैट कंबसन। उस कंबसन होने पर क्या अपीयरेंस हो रहा है उसका, ठीक है, फायर का जो अपीयरेंस है दैट इज द फ्लेम। वो क्या है, एक रीजन है जिस एरिया के अंदर कंबसन हो रहा है। आई बात समझ में? फ्लेम जो है वो क्या है, इट इज द एरिया वेयर कंबसन टेक्स प्लेस, या इन विच द कंबसन टेक्स प्लेस, उस एरिया को हम लोगों ने क्या बोला है, कंबसन बोला। आई बात समझ में? ठीक है, तो सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव टू गिव इन योर वर्कशीट, पहले आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे केयरफुली वन बाई वन, हम लोग एक एक लाइन को रीड करेंगे, जहाँ पर मुझे क्वेश्चन बनता दिख रहा है हम लोग उसको अंडरलाइन करेंगे एंड नोट डाउन दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, नोट डाउन करेंगे। तो आफ्टर दिस वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक एज अ क्वेश्चनिंग ऑल्सो। तो एक और टाइप आप लोग, एक और टॉपिक शायद आप भूल रहे हैं, दैट इज द एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इट इज एसिड रेन। मैंने आपको जनरल बताया था, एसिड रेन, एसिड रेन मीन्स द रेन विच हैज एसिड्स इनसाइड उस इन द वॉटर, उस रेनिंग जो रेन वॉटर है दैट हैज एसिड, दैट हैज एसिड, उसकी कंडीशन में क्या है, उसके अंदर क्या है, एसिड है। क्या बोला, अवर एनवायरमेंट हैज द सल्फर एंड नाइट्रोजन। इस सल्फर और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स SO2, SO3, NO2, NO3, NO, तो ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, दे विल रिएक्ट विद द वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स जो हैं उनके साथ रिएक्ट करेंगे, इस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वो नाइट्रिक एसिड्स बनाएंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएंगे। ये सारे जो ऑक्साइड यहाँ पर सल्फर वाला है तो क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनेगा, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, सल्फ्यूरस ऑक्साइड है, क्या बना देगा, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, कहाँ पर, इन द क्लाउड्स, उनका जो कंडेंसेशन हो रहा है वाटर वेपर्स का, तो उस वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन जब होगा तो इट विल फॉर्म्स द एसिड इनसाइड द क्लाउड्स। क्लाउड्स के अंदर क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड्स का। और व्हेनेवर दे विल कम, व्हेनेवर द रेन कम्स डाउन साइड, तो दीज एसिड विल कम अलॉन्ग विद द रेन, उस रेन के साथ ये एसिड्स जमीन पर आएंगे, तो दैट रेन इज नोन एज एसिड रेन। उस रेन को हम लोगों ने क्या बोला, एसिड रेन। एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर, अबाउट मेमरी, दैट एवरी सीजन, एवरी सीजन और एवरी रेनी सीजन, फर्स्ट रेन, फर्स्ट रेन जो आपकी होगी दैट इज मोर एसिडिक। फर्स्ट रेन जो है दैट इज मोर एसिडिक, कैसी होगी वो, बहुत ज्यादा एसिडिक होगी।
आइबसर में वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग इसमें रखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और उनके क्लासिफिकेशंस अच्छे से पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू फील एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू माई व्हाट्सअप नंबर एंड आई विल गिव द आंसर, प्रॉपर आंसर। डोंट गिव एनी नॉनसेंस, ओके। कोई भी आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें ज़बरदस्ती कोई आंसर आप लोग नहीं लिखेंगे, ओके। वेन एवर योर वर्कशीट विल कम यू विल गिव द प्रॉपर आंसर्स आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।